ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। मेरे पास बहुत सारी ऐसी क्वेरीज आ रही हैं जिनमें कि एक मंत्र है जो कि जिसको भी मैंने दिया उसके लिए इसने बखूबी अपना असर दिखाया है, और ये इतना चमत्कारी है कि अब मेरे पास लोग फ़ोन करके कह रहे हैं कि गुरुजी वो कुछ ज़्यादा ही समीप आ रहे हैं तो उनको दूर कीजिए। और न जाने क्यों, लेकिन जैसे ही सर्दियां शुरू हुई हैं तब से ये मंत्र जो है ये बहुत प्रबल हो गया है। इसका काम करना, मतलब मुझे कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कि यही इसका एक मुहूर्त होगा या फिर यही इसका एक समय होगा जब ये प्रबल होता है। इसका आकर्षण बहुत ही प्रबल होता है, बल्कि यहाँ तक भी लोगों ने कहा है कि उनकी जितनी भी मनोकामनाएँ थी वो इस मंत्र से पूरी होनी शुरू हो गई हैं। कृष्ण का ये मंत्र है और जो भी जिज्ञासु चाहे वो इसका प्रयोग कर सकता है। बहुत ही प्रभावी, बहुत ही सुंदर मंत्र ये है। और अभी कुछ दिनों से मेरे पास कॉल आ रहे हैं कि गुरुजी मैंने आपको पहले भी कॉल किया था और अब भी कर रहा हूँ, तो जो मेरा काम था वो बन गया है, आप मुझे बताइए आगे क्या करना है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके प्यार में, आपके करियर में या फिर कहीं पर भी कोई भी परेशानी आ रही हो तो इस छोटे से कृष्ण मंत्र का जाप कीजिएगा। और आपको मैं बता दूं कि इसमें कोई मुहूर्त नहीं देखना, कोई वार नहीं देखना, बस इसका जाप कीजिएगा। क्योंकि जो भी है, जितनों ने भी ये किया है वो सिर्फ यही कह रहे हैं कि हमने कोई रिचुअल नहीं की, बस हम मंत्र पढ़ते गए और 21 दिनों तक ये क्रिया की और हमारा काम हो गया। तो सुनकर बहुत अच्छा लगा कि लोगों के लिए सिर्फ मंत्र जप करना ही काम कर रहा है, ना कोई मुहूर्त देख रहे हैं, ना कोई वार, ना कोई तिथि, बस प्रेम भाव से लगे हुए हैं कृष्ण को मनाने में। तो चमत्कार होते हैं इसी दुनिया में। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपका विश्वास कैसा है। अगर आप पूर्ण विश्वास के साथ करते हैं तो सफलता जरूर मिलेगी। अत सत परिश्रम करे जो कोई, अनिल प्रकट चंदनते होए। अर्थात जो बिना पीछे मुड़े बस अपना मनोरथ सिद्ध करने में लगे रहते हैं कि बस हमें ये करके ही उठना है, तो देर सवेर उनका काम होता है। लेकिन जो एक दिन में या दो दिन में हताश हो जाते हैं, नतीजे सामने नहीं आते तो वो हताश हो के चीज़ों को, अपने आप को कोसने लगते हैं, तो ऐसे में ये चीज़ें काम नहीं करती हैं। सबसे पहली बात, इसमें आपका संयम देखा जाएगा। आप कितना संयम रख सकते हैं, कितना विश्वास आप रख सकते हैं। अगर बीच में दिक्कतें आए, कोई परेशानी आए, तो ये आपकी एक परीक्षा होगी। इसको उत्तीर्ण करना आपका परम कर्तव्य होगा, ना कि अपने आप को कोसने लग जाए या फिर गुरु को कोसने लग जाए। ऐसे में ये चीज़ें बिल्कुल काम नहीं करेंगी। तो आपको मैं मंत्र बताता हूँ, कृष्ण का मंत्र है, क्लीम कृष्णाय नमः। क्लीम कृष्णाय नमः बहुत ही पावरफुल मंत्र है, और ये मुझे स्वप्न में इसकी विधि पूरी बताई गई थी, तो वो मैं आज आपको बता रहा हूँ। तो इसमें कुछ नहीं करना आपको, बस बैठ जाइए आँख मूंद कर किसी ऐसे एकांत स्थान में जहाँ पर कि आपके मस्तिष्क में और कोई विचार ना आए, आसपास की आवाज़ें जो हैं वो आपको सुनाई ना दे, अगर सुनाई भी दे तो उनको, उन पर गौर मत कीजिएगा। और बस किसी भी टाइम बैठकर, मैं कहूँगा कि आप शाम के समय बैठिए और 5 से 7 बजे के बीच में कभी भी इसका जितना यथासंभव हो सके इसका जाप कीजिएगा, क्लीम कृष्णाय नमः, क्लीम कृष्णाय नमः, क्लीम कृष्णाय नमः। तो ये जो है ये आपके प्यार को इतना प्रबल कर देगा कि जो भी आपका साध्य व्यक्ति होगा वो दौड़ा दौड़ा, मारा मारा आपके पास आएगा। और यदि आपकी कोई ऐसी मंशा हो, कोई ऐसी इच्छा हो जो गहरे आपके किसी कहीं कोने में दबी हुई हो, तो उसको भी ये बाहर निकाल कर लाएगा। आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं वो भी इससे पूरी हो सकती हैं। बस भगवान कृष्ण पर भरोसा रखकर इसका मंत्र का जाप करते रहिए जितना ज़्यादा हो सके। 21 दिनों के भीतर भीतर मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका काम बनेगा ही बनेगा। मैंने ये नज़ारे लोगों से सुने हैं कि उन कैसे उनका एक दो दिन में ही ये काम होना शुरू हो गया। जब मैंने देखा कि मंत्र में इतनी शक्ति होती है तब जाकर मैं आज आपको बता रहा हूँ ताकि सब इसको कर पाएँ, क्योंकि अभी जो समय चल रहा है वो इस मंत्र का है।
जिस तरह से हम फसल लगाते हैं तो वो एक पर्टिकुलर टाइम पर ही उगती है। अगर अभी हम कोई ऐसी फसल लगा दें जिसका समय ना हो तो वो फसल बर्बाद हो जाएगी, वो उगेगी नहीं। तो वैसे ही मंत्रों के लिए होता है कि जो समय जिसके लिए निर्धारित है वो समय उस मंत्र का होता है। जिस तरह से इस मंत्र का समय अभी है, सर्दी सर्दी में इसको कीजिएगा और फिर देखिएगा कि किस तरह से आपकी जो भी कामनाएं हैं, जो भी इच्छाएं हैं, वो पूर्ण होती हैं। किसी भी तरह की जानकारी के लिए कॉल कीजिएगा 999-284-1625 पर। धन्यवाद।